नमस्कार दोस्तों, आज मैं लोगों के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जिससे आप लोगों पर काम करते समय दुर्घटना से रहित रहें, यानी कि आपके साथ में कोई दुर्घटना न घटे। क्योंकि लाइन पर चलते हैं तो कई दुर्घटनाएं घटती हैं जिससे हमको शारीरिक रूप से भी चोट पहुंच सकती है। दोस्तों, मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर जो भी वीडियो आपको देखना हो वो देख लीजिए। सबसे पहला है मेन दरवाजा। जो लोगों का मेन दरवाजा होता है वो क्या होता है कि जैसे आप मेन दरवाजा खोल के अंदर चले गए, अगर दरवाजे के वहां पे थोड़ा सा आपका हाथ, अंगूठा, उंगली कुछ भी रह गया तो दरवाजा वापस बंद होता है, तब आपके अंगूठे को या उंगली को चोट पहुंच सकती है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि दरवाजे को थोड़ा स्टॉपर वगैरह लगाकर या जो भी है उसको रोकने की कोशिश करें। वो अपने आप जब एकदम आता है तो आपके अंगूठे को बहुत तगड़ी चोट पहुंचाता है, और वो दरवाजा होता है इस प्रकार का कन्वेंशनल लोगों में खास करके कि वो आपको चोट पहुंचाएगा। मुझे भी बहुत पहले जब असिस्टेंट लोको पायलट था तब मुझे भी चोट लग चुकी है। इसलिए ध्यान रखें कैब का जो मेन दरवाजा है उसको खोलने के बाद उसको ठीक तरह से स्टॉपर लगाकर रोकें। अगर नहीं रोका तो फिर वो दरवाजा आपको चोट पहुंचा सकता है कभी भी, किसी भी वक्त। दूसरी बात है कॉरिडोर का दरवाजा। जब आप कॉरिडोर में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो किसी किसी लोगों में क्या होता है, कॉरिडोर का दरवाजा खोलने के बाद में पांव एकदम नीचे पड़ता है, यानी कि कॉरिडोर एकदम नीचे होता है, तो वहां पे थोड़ा ध्यान रखें पांव को आपको चोट नहीं लगे। किसी किसी का क्या होगा, कॉरिडोर का दरवाजा जो होता है सिर के ऊपर टकराता है, जैसे WFP4 लोगों में खास करके। तो WFP4 लोगों में आप जब भी प्रवेश करें सिर को बचा के, वैसे सभी लोगों में सिर को बचाना ही है, लेकिन WFP4 लोगों में ज्यादा करके आपको सिर को बचा के अंदर जाना है। कई लोगों को उसमें सिर को चोट लगती है, तो किसी भी कॉरिडोर में आप प्रवेश करें तो आपके अपने सिर को बचा कर जाए। फिर कॉरिडोर में जाते हैं तो नट बोल्ट वगैरह साइड में रहते हैं, SMGR का हैंडल रहता है, उससे आपको बच के जाना चाहिए, नहीं तो आपको शरीर को चोट पहुंचेगी। नेक्स्ट होता है दरवाजा जो होता है मेन कैब के दरवाजे, दोनों साइड के लोको पायलट साइड, असिस्टेंट लोको पायलट साइड, वो दरवाजे खुले नहीं रखना है, क्योंकि कई केसेस ऐसे हुए हैं दरवाजे खुले रखने पर हमको घिरने का खतरा रहता है, इसलिए दरवाजे हमेशा बंद रखने चाहिए। अगर दरवाजे खुले रखेंगे तो डस्ट वगैरह भी अंदर आती है, कोई चीज वस्तु उड़ के जा सकती है या गिर सकती है या आप ही गिर सकते हैं, इसलिए दरवाजे हमेशा बंद रखना चाहिए। सीढ़ी पर चढ़ते समय, जैसे जब आप लोगों पर चढ़ते हैं तो आपके पांव जो हैं वो प्रॉपर सीढ़ी पे रखे कि नहीं रखे, इस बात का ध्यान रखना है। हमारा ध्यान क्या होता है, चढ़ते हैं तो ऊपर चढ़ते हैं, तो ऊपर चढ़ते हैं तो पांव कभी कभी फिसल जाता है और फिर आप भी वहां से फिसल जाते हैं और एकदम लोड आता है हाथ पर, लटक जाते हैं तो हाथ के अंदर मोच, जिसको बोलते हैं हाथ उतर गया, तो इस प्रकार का हाथ उतरने के केस हो जाते हैं और चोट पहुंच सकती है। इसलिए या फिर उंगलियों के भी वो एकदम हाथ स्लिप मारता है ना, तो उंगलियों को भी चोट पहुंच जाती है। तो कभी भी ध्यान रखें ऊपर चढ़ते समय प्रॉपर पांव को सपोर्ट दें सीढ़ी का। कई किसी किसी लोगों में सीढ़ी टूटी हुई होती है, तो टूटी हुई होती है, जहां भी आप सपोर्ट दे रहे हो प्रॉपर सपोर्ट दें, दोनों हाथ से ग्रिपिंग करें और फिर ऊपर चढ़ें। जो भी बैग वगैरह है या तो पहले से अंदर रखें या फिर पीठ के पीछे उसको लाद के रखें, इस प्रकार चढ़ें। उतरते समय भी यही ध्यान रखना है, उल्टा घूमने के बाद में देखें कि मैं पांव कहां रख रहा हूं। उतरते समय अधिकतर केसेस होते हैं कि आप हाथ के ऊपर लटक जाते हैं, तो देखें कि मैं कहां उतर रहा हूं, कहां पांव रखा हूं, उसके बाद ही प्रॉपर पांव रखने के बाद ही उतरना चाहिए, तो आपको चोट लगने से बचाव होगा। HT में प्रवेश करते समय, जब HT कंपार्टमेंट में आप प्रवेश करते हैं, यानी हाई टेंशन कंपार्टमेंट में, तो हाई टेंशन में कंपार्टमेंट में तब तक प्रवेश नहीं करना है जब तक कि लोगों को ग्राउंड नहीं कर दिया। जब लोगों को ग्राउंड करें उसके बाद ही HT में प्रवेश करें। होता क्या है, जैसे आप शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे और वाइब्रेशन के कारण आप अंदर गिर गए और अंदर सब नंगे तार वगैरह रहते हैं HT कंपार्टमेंट में, तो आपको चोट पहुंच सकती है, जल सकते हैं। इसलिए जो नियम है HT कंपार्टमेंट में प्रवेश करने का, वो नियम को लोगों ग्राउंड करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। नेक्स्ट बात है चलती गाड़ी में आपको कभी नहीं उतरना चाहिए। जैसे अपन सोचते हैं रनिंग रूम के सामने आ गया, चलो चलती गाड़ी में उतर जाता हूं, नहीं, चलती गाड़ी में नहीं उतर, कितना भी आवश्यक हो चलती गाड़ी में नहीं उतरना है। गाड़ी को स्टॉप करके उतरिए, उसके बाद चलाइए, कोई बात नहीं, एक दो मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जवाब दे सकते हैं हम, लेकिन चलती गाड़ी में उतरेंगे आप अंदर आ जाएंगे, कोई भी अंग भंग हो सकता है, ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं, तो बहुत ही डेंजरस है, चलती गाड़ी में कभी नहीं उतरना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है चेन पुलिंग रिसेट करने के लिए। जब हम जाते हैं तो हमारा टेंडेंसी क्या रहता है, मन में क्या रहता है यार समय बचावे समय बचावे, और दौड़ भाग करते हैं, तो दौड़ भाग करते समय ध्यान नहीं रहता है कि हम कहाँ चल रहे हैं कहाँ दौड़ रहे हैं। तो ट्रैक पर दौड़ते हैं, वहां ट्रैक पे जो बालास्ट रहता है गिट्टी रहती है वो भी अनयूजुअल रहती है, यानी कि
एक जैसी तो रहती नहीं है, और वहाँ कहीं कहीं खड्डा भी होता है, इतना खड्डा उसके अंदर आपका पाँव पड़ गया तो फटाक से आप गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी। और दौड़ते समय कहाँ कांटा है, कहाँ पत्थर है, कहाँ सांप है, वो सब ध्यान रख के दौड़ना चाहिए। तो ऐसे होशोहवास खोकर नहीं दौड़ना है आप ठीक से, ऐसा नहीं कि जानबूझ के हम लेट करेंगे, जाइए जल्दी जल्दी, लेकिन अपने आप को संभालते हुए भी चैन पुलिंग रिसीव करने जाता है। फिर आप चैन पुलिंग रिसीव करते हैं तो प्रॉपर पाम को सपोर्ट देके ही करना है। वैसे तो आजकल तार लगा दिया, आप नीचे से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, हम अपने आप को बचाएंगे तो ही तो काम कर पाएंगे। नेक्स्ट बात आती है नंगे तार। जहां भी लोकोमोटिव में नंगे तार होते हैं, चाहे वो बैटरी के सर्किट के हो, चाहे हाई टेंशन के सर्किट हो, नंगे तारों को कभी नहीं छूना है। अगर आप नंगे तारों को छुएंगे तो आपको बिजली का शॉक लगेगा और दुर्घटना घट सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है, वो लुको ग्लास को साफ करने के लिए पानी की बौछार छोड़ देते हैं, तो पानी की बौछार नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऊपर 25 केवी के तार लगे हुए, 25,000 वोल्ट है, अगर उनके संपर्क में वो पानी आएगा तो आपको भी झटका लग सकता है। इसलिए लुकआउट ग्लास साफ करें तो खुद ही धीरे से लेकर साफ करें, और अपनी उस जो निश्चित ऊंचाई है उससे ऊपर हाथ वाथ नहीं जाना चाहिए, पानी की बौछार भी नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट बात आती है लाइन के बीच में, ट्रैक के बीच में जो होता है अपन को नहीं चलना चाहिए। अगर ट्रैक के बीच में चलेंगे तो ऊपर 25 केवी के तार है, कभी भी तार वार टूट के भी गिर सकता है, या इंडक्शन के कारण भी आपको चोट पहुंच सकती है। नेक्स्ट आती है हाथ में अंगूठी, घड़ी, कड़ा इत्यादि वस्तुएं पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि कई कैसे जैसे अपन विद्युत का कोई भी काम कर रहे हैं और वो जो हाथ में सोने की अंगूठी है, चांदी की अंगूठी है, जो भी हो, वो विद्युत के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, ऐसे जो धातु की चीजें पहनते हैं, तो वो क्या होता है कि उससे हम फटाक से वो विद्युत को पकड़ लेगा और वहां जल जाएगा तो हमको भी नुकसान पहुंचाएगा। और इन बातों का आप सब ध्यान रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे तो गाड़ी भी सुरक्षित रूप से चलाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं, और आप भी सुरक्षित रहें और लोगों भी सुरक्षित रहे, हमारी गाड़ी इस प्रकार चलती रहे। धन्यवाद।